Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. सिंध पाकिस्तान में कींझर नाम की एक बेहद खूबसूरत झील है। इस झील से जुड़ी है प्यार की एक ऐसी दास्तां जिसने कास्ट, क्लास और स्टेटस जैसे सामाजिक बंधनों को तोड़कर इतिहास में अपनी जगह बनाई। ये कहानी है सिंध के राजा जाम तमाची और झील के किनारे रहने वाली एक लड़की नूरी की। जाम तमाची 14th सेंचुरी में सिंध के राजा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य पर बड़ी बहादुरी और न्यायपूर्वकता के साथ राज किया। कींझर झील के उस पार मछुआरों के एक छोटे से गांव में नूरी नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। कड़ी धूप में काम करने की वजह से गांव में सभी का रंग दबा हुआ था सिवाय नूरी के, जिसका रंग दूध सा सफेद था और चमक ऐसी थी कि वाकई चांद का नूर हो। नूरी के पिता मछुआरे थे और वो अक्सर अपने पिता का हाथ बटाती थी क्योंकि उसे झील के पास समय बिताना अच्छा लगता था और राजा जान तमाची को शिकार करने का बड़ा शौक था। एक रोज राजा तमाची शिकार करने निकले मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उस दिन तापमान भी बहुत ज्यादा था तो राजा ने पास के एक गांव में कुछ देर आराम करने का फैसला किया। राजा के आने की खबर होते ही गांव वालों में बिजली जैसी फुर्ती आ गई, सजावटें शुरू हो गईं और ढेर सारे पकवान बनने लग गए। ये खबर नूरी तक भी पहुंची। उसके पास खड़े गांव वालों की फुसफुसाहट नूरी के कानों तक पहुंची। राजा जी तो सोने के वस्त्र पहनते हैं, उनके पास एक से एक बढ़कर जेवरात हैं। नूरी ने किसी शाही आदमी को पहले नहीं देखा था और ये सारी बातें सुनकर वो भी राजा को देखने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही नूरी राजा तमाची के सामने आई, दोनों की आंखें मिली और राजा को नूरी से प्यार हो गया। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, बिल्कुल वैसा ही। राजा जी ने पहली फुर्सत में गहने और जेवरात भेजकर नूरी को शादी का प्रस्ताव भेजा, पर लोगों को ये बात खटक रही थी क्योंकि उस जमाने में शाही घराने के लोग आम लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ते थे। लेकिन नूरी ने सबकी बातों को नजरअंदाज करके राजा तमाची के रिश्ते को हां कर दी। अपनी पुरानी यादों को समेट कर वो राजा तमाची के साथ एक नई दुनिया बसाने के लिए राजमहल की ओर चली। मगर राजमहल पहुंचकर नूरी ने देखा कि महल में कोई उससे राजा तमाची जितना प्यार नहीं करता। राजा तमाची की 6 बीवियां थीं और उन 6 बीवियों के दिल में नूरी के लिए सिवाय नफरत, जलन और घृणा के कुछ और नहीं था। जब नूरी राजा की सबसे पसंदीदा रानी बन गई तो बाकी बीवियों ने राजा के मन में नूरी को लेकर जहर भरना शुरू कर दिया। मगर राजा तमाची नूरी को इतना चाहने लगे थे कि वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। नूरी की खूबसूरती और सादगी ने उन्हें बिल्कुल मोहित कर दिया था। ऐसे में उनकी बीवियों ने एक नई अफवाह शुरू की कि नूरी महल की तिजोरी से जेवरात और गहने चुराकर अपने भाई को देती है। पहले तो राजा तमाची को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दरबारियों ने भी इस बात की पुष्टि की तो राजा तमाची भी देखना चाहते थे कि इस बात में कितना सच है। नूरी का भाई जब उससे मिलने आता था तो नूरी उसे जाते समय एक बक्सा उसके हाथ में देती थी। लोगों का कहना था कि इसी बक्से में शाही जेवरात होते हैं। इस बार जब नूरी वो बक्सा अपने भाई को दे रही थी तो सिपाहियों ने दोनों को घेर लिया। नूरी ने राजा तमाची की तरफ प्रश्न भरी आंखों से देखा, मगर उस दिन राजा तमाची कुछ नहीं बोले, बस सिपाहियों को इशारा किया कि बक्सा उनके हवाले किया जाए। बड़े दुख के साथ उन्होंने बक्से को खोला, मगर बक्सा खोलने पर उन्हें हैरत हुई। बक्से में हीरे जवाहरात नहीं बल्कि मछली के कांटे और कुछ रोटियों के टुकड़े थे। राजा तमाची ने आश्चर्य में नूरी से पूछा, ये क्या है नूरी? तब नूरी ने बताया कि उसे डर था कि अगर उसे राजमहल के खाने की आदत लग गई तो वो अपने गांव को भूल जाएगी।
तो उसने अपने भाई से कहा था कि जब भी वो उससे मिलने आए, घर से दो रोटी और मछली के टुकड़े एक बक्से में लेकर आए। नूरी ने राजा तमाची से ये बात छिपाई थी ताकि राजा तमाची को ये न लगे कि वो महल के खाने की इज्जत नहीं करती। नूरी के इस मासूमियत पर राजा तमाची की आंखें भर आई। उस दिन के बाद राजा तमाची के दिल में नूरी के लिए प्यार और इज्जत दोनों बढ़ गए। उन्होंने नूरी से कहा कि वो जब चाहे अपने गांव जा सकती है। कभी कभी राजा तमाची भी नूरी के साथ कश्ती में बैठकर किंझर झील के सैर करते थे। राजा तमाची के इस भाव को देखकर नूरी को उनसे बेपनाह मोहब्बत हो गई। और राजा तमाची तो पहले से ही नूरी को पलकों पर बिठाते थे। अब महल में कोई भी नूरी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहता था। लेकिन नूरी ने वक्त से पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सोचना मुश्किल नहीं था कि राजा तमाची को उसकी कितनी कमी महसूस होती थी। राजा तमाची ने अपनी सबसे प्यारी पत्नी के लिए किंझर झील के बीच में एक मकबरा बनवाया, ठीक वहीं पर जहां से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। ये मकबरा चारों तरफ से पानी से घिरे रहने के बाद भी आज तक नहीं डूबा है और सिंध का बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। लोगों का मानना है कि नूरी की रूह इसमें बसती है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है राजकुमारी वासव दत्ता और राजा उदयन की। इस कहानी में एक खूबसूरत राजकुमारी को अपने दुश्मन से प्यार हो जाता है और इस प्यार को पाने के लिए उसे दुनिया भर की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यहाँ दो जवान दिलों का प्यार है, दो दुश्मनों के बीच तकरार है, ट्विस्ट्स और टर्न्स की भरमार है। ये कहानी है सच्चे प्यार की, समर्पण और त्याग की।